बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के साथ खालिद अवान। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है इसके एसी के ऊपर बनाने जा रहे हैं, और वो है डॉलन्स का डीसी इन्वर्टर एसी है। आज इसके आपको फीचर्स बताएंगे और इसकी अनबॉक्सिंग करके भी आपको दिखाएंगे कि ये एसी कैसा है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को कोई भी पार्ट्स मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। तो वीडियो अब जी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये डीसी इन्वर्टर है डॉलन्स का, डेढ़ टन का, और इसका मॉडल जो है वो है नियरकॉन इन्वर्टर 13। ये आपके सामने इसका मॉडल है और ये इंडोर का था, और सेम ही इसके आउटडोर का भी जो मॉडल है वो भी यही है, नियरकॉन इन्वर्टर 13 डेढ़ टन का एसी है। तो इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके फीचर में वाइल्ड वोल्टेज है, फुली ट्रॉपिकल कंप्रेसर है, इसमें ऑटो रीस्टार्ट है, डबल एंटी डॉट जो है इसके फिल्टर्स हैं इसमें। और दोस्तों, कुछ और जो है इसके फीचर्स वो भी मैं आपको बताता चलूँ। एनर्जी एफिशिएंट है, लो वोल्टेज स्टार्टअप है, और जो वर्क एवर इन 53 डिग्री पे ये बेहतरीन काम करता है, और एंटी रस्ट आउटडोर इसकी जो है वो बॉडी है। तो दोस्तों, इसके ये चंद फीचर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसका कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, इसके इंडोर को हम करते हैं अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, हमने जो है इसका इन डोर जो है उसको हमने अनबॉक्सिंग कर ली है। तो अभी इसका जो है मैं आपको कुछ जो इसके इंटरनल्स हैं वो इसकी दिखाते हैं कैसा है इंटरनल कैसा है। तो दोस्तों, ये भी गोल्डफिन में है इसका वेपोरेटर, जो कि इसको मौसमी असरात जो है उससे रस्टेड होने से बताता है। और ये इसकी हैंडलिंग LCD है, और इसमें ये वाईफाई का भी तो दिया हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको खोलेंगे तो पता चलेगा इसमें है कि नहीं, लेकिन अगर होता तो इसके फीचर्स में लिखा होता। तो दोस्तों, इसकी जो वारंटी है ये 12 ईयर इसकी वारंटी है कंप्रेसर की, और कुछ इसके जो फीचर्स हैं उन्होंने यहाँ पे भी जो है कुछ मेंशन किए हुए, जिसमें हीट एंड कूल है फंक्शन इसमें, और 150 लो वोल्टेज स्टार्टअप है, गोल्ड फिन है इंडोर आउटडोर का, और एनुअली जो है सेविंग करता है 30,000 की है। दोस्तों, ये इस कंपनी का दावा है, और इसका देखते हैं हम आज इसको हम करने आए इंस्टॉल, और इंस्टॉलने के बाद इसका देखेंगे ये क्या इसकी परफॉर्मेंस है। और इसका जो है फ्रंट जो है ये शटर जो है ये ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर की इसकी ग्लोसी जो है वो मैं दिखाता चलूँ। ये शीट लगी हुई है, स्क्रैचलेस है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी जो है आपको इसका आउटलुक जो है वो भी थोड़ी सी दिखाते चलें। इंडोर जो है इसका कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है इंडोर, और क्योंकि बाकी जो आप देखते हैं मेरी चैनल्स पे वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, इसमें ओरिएंट का हो गया, कैनवुड के हो गए, काफ़ी उनके इनर जो हैं बड़े हैं, TCL के भी काफ़ी बड़े इंडोर हैं, लेकिन इसका इंडोर इतना कोई ख़ास बड़ा नहीं है। और ये उनका जो है कस्टमर सर्विस हेल्प लाइन पे जो है ये फ्री टूल उनका नंबर है, जिससे आप इनकी जो है सर्विस जो है आपको ये प्रोवाइड करते हैं। अगर वारंटी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसके थोड़े से स्पेसिफिकेशंस हैं, जिसमें ये इसका मॉडल्स भी लिखा हुआ है। 18,000 BTU है, गैस इसमें 410 है, और जो इसके एम्पेयर्स हैं वो कूलिंग पे 7.6 एम्पेयर्स हैं, 1755 वॉट है, और हीटिंग पे 6.5 एम्पेयर और 1505 वॉट है, और इसके जो मैक्सिमम एम्पेयर्स 12 हैं और 2750 मैक्सिमम वॉट ये कंज्यूम करता है। तो अभी करेंगे हम। तो दोस्तों, देखते हैं साथ में कंपनी ने कौन कौन सी एक्सेसरी दी है, और ये दो इसमें जो है इंसुलेशन टेप्स दी हुई हैं, और ये साथ में ये रिमोट है, स्लिम सा खूबसूरत सा है, बड़ा ही ज़बरदस्त,
और बहुत ही स्लिम सा स्मार्ट सा रिमोट साथ कंपनी ने दिया हुआ है। तो दोस्तों आज हम इसको इंस्टॉल करने के लिए आए हुए हैं एसी, और इंस्टॉल करने के बाद आपको बताते हैं इसके, और साथ में ये रिमोट का स्टैंड भी है वो भी बड़ा स्लिम सा है इसके साथ, और ये साथ में स्क्रू दिए गए हैं इसकी जो ब्रैकेट है वॉल ब्रैकेट उसके ऊपर लगाने के लिए। साथ में बैटरीज हैं ये दो, और साथ में आउटडोर ड्रेन नोजल भी दी, और ये एक्स्ट्रा ड्रेन पाइप इसके साथ है, और ये इसकी जो है मैनुअल बुक है, इसमें इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन भी हैं और ऑनर मैनुअल बुक भी है रिमोट के मुतल्लिक, टोटल इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये है फोर कोर तार है इसके साथ जो प्योर कॉपर वायर है, ये कॉपर की है ये आप देख भी रहे हैं। और ये दोस्तों जो है वो चार गज तार ये साथ आती है इसके, और इसका जो इंस्टॉलेशन के लिए जो किट दी हुई होती है पाइप दिया गया होता है जो आउटडोर और इंडोर के दरमियान में कनेक्टिंग वायर। और दोस्तों ये हमने आउटडोर को कर दिया अनबॉक्सिंग, और ये आपके सामने इसकी बहुत ज़बरदस्त लुक है, इसकी बड़ी फिनिशिंग अच्छी है, और ये इसके साथ ये इसके जो कुछ फीचर्स हैं सॉरी फीचर्स कह रहे हैं स्पेसिफिकेशन हैं जी आउटडोर के, ये मेंशन किए हुए कंपनी ने, और बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ में ये कनेक्टिंग पाइप दिया गया है जो इंसोर से आउटडोर तक पाइप जाता है गैस के लिए, प्योर कॉपर है, और जो इसके साथ है 1412 साइज है इसके, ये इसके पाइप्स का जो इस कंपनी ने दिया, और ये दोस्तों 3 मीटर का होता है, 3 मीटर तकरीबन जो है हम कह सकते हैं इसको 9.5 फुट, और ये इसका आउटडोर का जो कंडेंसर है ये भी गोल्ड फिन में है, साथ में ये हीट एयर सेंसर जो है साथ में इसके दिया गया है। और दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग है, आउटडोर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इसमें डबल लेयर जो है इसका कंडेंसर है और गोल्ड फिन में, और फ्रंट जो इसकी ये ग्रिल है ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है, राउंड में है और प्लास्टिक के साथ है। ये दोस्तों हमने इसका जो एसी जो है हमने इंस्टॉल कर लिया है और बहुत ज़बरदस्त है, फ़ैन की स्पीड भी ठीक है और कूलिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है, महसूस हो रही है, बहुत अच्छी है, और हमने आज इसको फाइनली इंस्टॉल कर दिया। तो दोस्तों ये था जो डॉलर्स का 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी नियर कोल इन्वर्टर 13, और इस हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।